कितनी रात में उतारा है अभी यहाँ पे, हम लोग को स्टेशन पर रहना पड़ेगा गांव जाने के लिए, फिर ऑटो वगैरह पकड़ना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग ट्रेन में हैं, इटारसी से क्रॉस हो चुके हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है। अभी एसी में है फिर भी बाहर बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। तो अभी तो बस ट्रेन का ही ब्लॉग हम लोग दिखाएंगे। किट्टू अभी जस्ट ऊपर से आके नीचे बैठी हुई है, रात भर मोबाइल देखी है वो। तो फिर मिलते हैं कल आप लोग से गाँव पर, दादी घर पर मिलते हैं। वाह फ्रेंड, ये तो नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इटारसी का बस क्रॉस किए हम लोग, कितना मस्त है। डर भी लग रहा है ऊपर से, पुल के ऊपर से डर भी लग रहा है। सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं। पानी मिला? मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं मिला? चलो किटू कैसा टेस्ट है? ककड़ी में सिर्फ खाया। सिर्फ ककड़ी खाई हो? पूरा खा के बताना। मैं राइस खा के देखती हूँ। ये आज इस बार का खाना थोड़ा थोड़ा सही ढंग का लग रहा है। अच्छा। ककड़ी। टेस्टी है लेकिन, टेस्ट बढ़िया है इसका लेकिन। और जितने बार हम लोग आए गए हैं लेकिन इसका टेस्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है, चावल दाल का। सब्जी सब्जी खा गया। ठीक है, टेस्ट ठीक है। और उसमें एक स्वीट भी दिया है, हर बार नहीं देता लेकिन इस बार स्वीट दिया है। लेकिन नमक गिरा ये सारा दिया है, जला है ऊपर। रोटी तो अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जबलपुर आ चुके हैं। अभी कुछ एकदम शांत शांत लग रहा है, कुछ इतने लोग भी नहीं दिख रहे हैं जैसे कोरोना टाइम में था। कोरोना टाइम में तो एक बोगी में हम ही लोग थे सिर्फ। दोपहर के कितने बजे थे? एक बज गए होंगे, एक बीस हो चुके हैं। किट्टू को आइसक्रीम चाहिए था ना किट्टू, चलो लेके आते हैं हम लोग। आइसक्रीम तो नहीं कहीं दिख रहा, शायद उस दुकान पे मिले लेकिन इधर नहीं रखता है। अभी शाम का 6:30 हो गया है और बच्चे लोग तो सोए हुए, ट्रेन में जो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत बोर हो रहा है, मन उब जाता है बैठे बैठे। अब कल कितने बजे पहुँचेंगे? रात को पहुँचेंगे, 2 बजे। 2 बजे रात में उतरेंगे हम लोग। कहाँ पर उतरेंगे? औरंगाबाद। औरंगाबाद में उतरेंगे। कितना सुंदर लग रहा है ये स्टेशन, एक लोग भी नजर नहीं आ रहे, एक लोग भी नहीं उधर है, दो लोग बैठे हुए। मम्मी चाय पी रही है और भैया चाउमीन खा रहे हैं और पापा चाय पी रहे हैं और ये मैम खाकड़ा
आपको अभी अच्छा चाय टेस्ट यहां तो मैं अभी नहीं खाई, मुझे क्या ही करना है बैठ के वहां जाके थोड़ा सा ही खाई हूं, थोड़ा सा ही खाई, थोड़ा सा खाई पूरा कम पूरा फिनिश की हो पूरा फिन हमने आपने थोड़ा सा दे दिया ना, आधा से ज्यादा आप लोग ने घुटक लिया है। अरे नहीं हमने भी खाने ही खाया, हम लोग थोड़ा मंगाया था, थोड़ा इलिगेट बहुत। अभी रात का खाना का ऑर्डर हुआ है जिसमें मैं अंडा कड़ी मंगवाई हूँ और टिक्की दाल मखनी आलू अचार का पैकेट हटा ना सब्जी से, खाना तो भी बहुत ही टेस्टी दे रहा है, टेस्ट लग रहा है खाना खाने में, पहले से बहुत ही अच्छा है। ऐसे बदमाशी कर रही है वो, अभी रात का 11:30 हो गए हैं, उसको डांस करना था। नहीं आंटी थी सच में, तो क्या करो ना। अच्छा मैं आपको दिखा, ये देखो यहाँ पर सूता हुआ, सूती में काट कर रहा है। अभी रात का 11:30 हो गए हैं और हम लोग मुगल सराय जो स्टेशन है उससे पार हो गए हैं और अभी हम लोग बिहार का औरंगाबाद जाने वाले हैं, तो 1 बजे का टाइमिंग दिया गया है, तो कब तक पहुंचाती है वो तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अभी 1:20 हो गए हैं और अभी हम लोग स्टेशन उतर गए हैं अनुग्रह नारायण रोड। कितनी रात में उतारा है, अभी यहाँ पे हम लोग स्टेशन पर रहना पड़ेगा गांव जाने के लिए, फिर ऑटो वगैरह पकड़ना पड़ेगा। ऐसे तो एक रिलेटिव है हमारे, मेरे बड़े पापा हैं, सोच के उधर ही चली जाऊँ, क्या करूँ। अनुग्रह नारायण रोड, मुझे तो लग रहा है बहुत गर्मी होगी लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा लग रहा है, शायद रात है इसके लिए। क्या अभी चाय पी रही है मम्मी? बिल्कुल अच्छा चाय नहीं है ये, देखो अभी रखा हुआ था बना के और फिर दिया गया गर्म करके। हाँ। बहुत अच्छा चल रही है, हवा भी चल रही है, मुझे तो लगा कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी। हाँ हाँ। और मैं बैठी हुई हूँ और ऊपर देखो अभी सुबह होने वाली है, हम इसलिए इसके अंदर नहीं गए। पापा कहीं बैठ जाओ ना, पापा बैठ जाओ ना यहाँ। देखो पीपल का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन है, भजन कीर्तन हो रहा है और बाजार बहुत अच्छा है। कॉपीराइट आ जाएगा बंद कर देते हैं, बाद में मिलता है आप लोग से। रात का 2:47 हो गए हैं और अभी हम लोग अपने बड़े पापा के यहाँ जा रहे हैं, क्यों नजदीक में रहते हैं, फिर उसके बाद 2-3 घंटे वहाँ पर रहूंगी, फिर उसके बाद मैं ससुराल जाऊंगी। इतनी रात है इधर, यही होता है जब हम लोग गाँव जब अपनी मम्मी के इधर जाऊं झारखंड या बिहार ससुराल आऊं तो ऐसे ही होता, रात का ही हम रात को ही उतरना पड़ता है, ट्रेन भी पकड़ो तो रात में ही। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं अपने बड़े पापा के इधर आई हूँ, मेरे पापा लोग 2 भाई थे वो मेरे बड़े पापा हैं, और चलिए सबसे मिलवाते हैं, आई ना। मेरे पापा हैं बड़े पापा। अब मैं उन्हें ससुराल जा रही हूँ, पटोखर के आगे औरंगाबाद के आगे, तो बड़े पापा के इधर गई थी, इधर का नज़ारा देखिएगा कितना खूबसूरत खूबसूरत सा नज़ारा आएगा।
40 हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 बज गए, इतना धूप है इधर। पहुंच गई हूँ और देवरानी लोग खाना बना रही हैं, रेडी होकर बस बच्चों लोगों को गोल्ड कुंडी दे रही हूँ। से हाय खेल रहे हैं किट्टू की बहने लोग हैं, देवरानी लोग की बेटी है। केश यू देख पड़ी, हाय बोलो, हाय करो, हाँ किशु देखती है ना, देखती हो। कल सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को और भी अच्छे से। किट्टू आ रही है, ये मेरे देवरानी का बेटा है, वो रेजिन दादी को बना, मेरे सासू माँ से चेरी सासू माँ। अभी तो मैं ससुराल में आ गई हूँ, बट अब ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं हो रहा है कि किसी से मिलवाऊँ आप लोगों को। कल मिलवाऊंगी, लेकिन गांव देख लीजिए, बहुत ही प्यारा गांव है। अभी रात का 10-15 हो चुके हैं और आज तो मुझे बिल्कुल ब्लॉग बनाने का मन नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं रोटी सब्जी खाई हूँ और पूड़ी भी बना था तो पूड़ी भी खाई हूँ। तो कल मैं आप लोगों को सबसे मिलाऊंगी, अपनी जो देवरानी है, क्योंकि मैं किट्टू के पापा जो हैं सबसे बड़े हैं, 4 भाई हैं और सबसे बड़े हैं, तो मैं जेठानी हो गई, मेरी 2 देवरानी हैं और एक चौथी नंबर वाली आने वाली है, तो मैं सबसे कल मिलवाऊँगी आप लोगों को। तो अभी के लिए बस उतना ही, तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।